दो तीन चीजें बताइए कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए आपको। मैं घर पे आया और मैंने डिसीजन लिया कि कल से कॉलेज नहीं जाएंगे, कल से फुल टाइम आरसीएम करेंगे। एक साइकिल होता था मेरे पास में और दो किट खरीदी मैंने आरसीएम की, 1280 रुपए दे के दो किट खरीदी, 2560 रुपए दे के दो किट खरीदी। साइकिल के पीछे कैरियर के ऊपर दो किट रखी और निकल पड़े इस बिजनेस को करने के लिए। पहले व्यक्ति को समझाया, हेलो यस, उसने बात सुनी नहीं पूरी, वो 2-3 मिनट सुनने के बाद उसने बीच में मेरे को रोक दिया। दूसरे को समझाया, चाचा जी थे मेरे उनको समझाया, एक फ्रेंड थे मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहते थे उनको समझाया, एक पड़ोसी थे भाई साहब रहते थे उनको समझाया, 9 लोगों को समझाया मैंने। और क्या रिजल्ट आया होंगे सर? यस, 9 लोगों को समझाया और 9 के 9 ने किसी ने बात को सुना और किसी ने बिना सुने ही मना कर दिया, यानी 9 के 9 ने इस बिजनेस के लिए मना कर दिया। अब मोटिवेशन तो खूब था, चार्जिंग तो खूब थी, ये था कि यार करना एक आईएएस कर रहा तो मेरे को भी करना है बिजनेस, लेकिन जब 9 लोगों ने मना कर दिया तो मोटिवेशन थोड़ा कम हुआ। मेरे को लगा ये हो क्या रहा है। मैंने सुरेंद्र वस जी, जिन व्यक्ति ने मेरे को ज्वाइन करवाया, एक बार मैं जोरदार तालियां करूंगा, मैंने सुरेंद्र वस जी को फोन किया, मैंने कहा कि सर मैंने 9 लोगों से बात की और 9 के 9 ने मना कर दिया। मेरे को लग रहा था कि जिसको बताऊंगा सब हाँ करेंगे। मैं सबको बताता था एक आईएएस कर रहा है 50,000 रुपए महीना, हेलो यस। मैं लोगों को समझाता था, लोग मेरे को समझाते थे। मैं लोगों को समझाता था ये बिजनेस करना चाहिए और वो मेरे को समझाते थे ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए, हेलो यस। बोले आपकी पढ़ाई चल रही है, मैंने कहा पढ़ाई छोड़ दी, मैं फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ। थोड़ी सी लंबी स्टोरी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेता हूँ। पहले महीने मैंने 23 लोगों को आरसीएम बिजनेस बताया। 2 तारीख को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 3 तारीख को ज्वाइन किया, 18 तारीख को मीटिंग अटेंड की। 18 तारीख से 31 तारीख के बीच में 23 लोगों को मैंने आरसीएम बताया। 23 में से 19 लोगों ने मना किया, 4 लोगों ने हाँ किया, 4 फॉर्म मैंने फिल किए और उसको मैंने कंपनी भेज दिया। उस समय 7 दिन के बाद बिजनेस फाइनल हो जाता था क्योंकि छोटा सा बिजनेस था आरसीएम का। 7 तारीख को बिजनेस फाइनल हुआ, 11 तारीख को मेरे घर पे एक लिफाफा आया आरसीएम से। मैंने लिफाफे को खोला, उसमें एक स्टेटमेंट थी, ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था, नीचे मेरे दो लोग थे उनके नाम लिखे हुए थे, बिजनेस लिखा हुआ था और नीचे अमाउंट लिखा हुआ था 544 रुपए। मैंने लिफाफे को खोला, स्टेटमेंट को निकाला, स्टेटमेंट के अंदर एक चेक था, चेक को देखा, उसमें नीचे लिखा 544, चेक के ऊपर मेरा नाम और लिखा 544, मेरा अकाउंट नहीं था। तो मैं बैंक में गया, बैंक में एक अकाउंट खुलवाया, उस चेक को लगाया, चेक क्लियर हो गया। और चेक जैसे ही क्लियर हुआ, 2 चीजें हुई मेरे साथ में, जानना चाहते हैं सर? Yes, sir. Yes. पहली चीज तो मेरे को अपने ऊपर विश्वास हुआ, हेलो यस, 544 कम है या ज्यादा है? कम या ज्यादा? ना कम है ना ज्यादा है, कुछ नहीं है 544। 2 चीजें हुई मेरे साथ में। पहला विश्वास हुआ अपने ऊपर कि मैंने काम किया, 500 आए, हेलो यस यस, तो काम करूंगा तो 5,000 भी आएंगे और yes. काम करूंगा तो ओपी शर्मा जी की तरह 50,000 भी आएंगे। दूसरा विश्वास हुआ कंपनी के ऊपर कि मैंने काम किया, 7 दिन के बाद बिजनेस फाइनल हुआ, 11 दिन के बाद मेरे पास एक चेक आया है। जो कंपनी देखिए, जो चल सकता है ना वो दौड़ भी सकता है, यस और नो? यस। तो पहले महीने 544 आए, कंपनी पे विश्वास हुआ, अपने ऊपर विश्वास हुआ। अगले महीने फिर काम किया, और काम कैसे करते थे मैं थोड़ा सा बताता हूं सर। 2 किट होती थी हमेशा, और ऐसा मैंने 3 साल किया। 2 किट होती थी हमेशा मेरे पास में, सुबह 6 बजे निकलते थे उन 2 किट को लेके, और रात को कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे वापिस आते थे, और अगले दिन 6 बजे फिर निकलते थे, हेलो यस yes. अगले महीने फिर एक चेक आया 704 रुपए का, तीसरे महीने फिर एक चेक आया 907 रुपए का, चौथे महीने चेक नहीं आया, एक स्टेटमेंट आई खाली
450 रुपए की। हेलो यस yes. मेरे को लग रहा था कि शायद 1200-1300 का चेक आएगा, लेकिन स्टेटमेंट आई 450 रुपए की। मैंने सुरेंद्र बस जी को पूछा कि सर मेरे पास चौथे महीने चेक 1200-1300 का आना चाहिए था, 450 क्यों आए? उन्होंने कहा इस बार आपकी डाउनलाइन में 2 लोगों को चेक गए हैं, इसलिए आपका चेक कम हो गया, और ये आपके लिए अच्छी बात है। जब आपके ग्रुप में चेक जाएंगे तो आपका चेक आने वाले समय में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो तीसरे महीने चौथे महीने 450 रुपए की स्टेटमेंट आई। उसके बाद मैं एक साल मैंने इस बिजनेस को किया इसी तरह सुबह से रात तक, और एक साल में एक बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे पास आए। क्या आए बता दो सर? यस। एक साल तक सब कुछ छोड़ दिया था, ना किसी शादी में जाते थे, ना किसी फंक्शन में जाते थे, ना किसी रिश्तेदार के घर जाते थे, सुबह से शाम तक एक ही चीज। हेलो यस। सुबह 6 बजे से रात को 10, 10:30, 11 बजे तक आरसीएम, रात को जब आके सोते थे तो सपने में भी आरसीएम आता था। एक साल काम किया इस बिजनेस में इसी तरह इसी जुनून के साथ, डेली 30 के 30 दिन काम किया। और ओपी शर्मा जी ने कहा था कि हर महीने एक मीटिंग में जरूर आना अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है। और मीटिंग कहाँ होती थी सर? मीटिंग 2 जगह होती थी उस समय पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि आरसीएम की शुरुआत थी। एक भीलवाड़ा होती थी जो जींद से 550 किलोमीटर था, और दूसरी जयपुर होती थी जो जींद से 350 किलोमीटर था। तो उन्होंने कहा कि हर महीने मीटिंग में आओ अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। तो हम 8 लोग थे, हर महीने एक सुमो बुक करते थे, और भीलवाड़ा होती थी तो भीलवाड़ा जाते थे, और जयपुर होती थी तो जयपुर जाते थे। अभी भीलवाड़ा जाने में 6 घंटे लगते हैं, 6, 6.5 घंटे में, 7 घंटे में भीलवाड़ा पहुंच जाते थे। उस समय 9.5 घंटे लगते थे भीलवाड़ा में, 7 घंटे जयपुर में लगते थे, क्योंकि उस समय सड़क डबल हाईवे नहीं बना था। तो हम लगभग 18 घंटे का सफर करते थे और 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करते थे। हेलो यस yes. yes. 9 घंटे जाने में, 9 घंटे और 2 घंटे की मीटिंग होती थी, 7 घंटे जाने में, 7 घंटे आने में जयपुर, 2 घंटे की मीटिंग। लोग कहते थे पागल हो क्या, 2 घंटे की मीटिंग करने के लिए, अटेंड करने के लिए 18 घंटे का सफर कर रहे हो, चेक 700 का आता है और आने जाने में 900 रुपए खर्च होते थे। तो ऐसी सिचुएशन में काम किया, एक साल लगातार जुनून के साथ काम किया, और एक साल में आरसीएम बिजनेस से 16,000 रुपए आए, 900, 1200, 1700, 800, 300 यूं। हेलो यस। कुछ लोग ज्वाइन करते अगले महीने वो छोड़ देते, अगले महीने फिर कुछ ज्वाइन करते वो फिर छोड़ देते, फिर ज्वाइन करते फिर छोड़ देते। बिजनेस इस तरह चला एक साल, और एक साल में केवल 16,000 रुपए आए। अच्छा कैसी इनकम है सर? अच्छी है। सारी दुनिया एक तरफ थी और आरसीएम, और आरसीएम से इनकम आई 16,000 रुपए। और एक साल के बाद लगा कि यार ये हो क्या रहा, चल क्यों नहीं रहा है बिजनेस। सुरेंद्र बस जी को फोन किया कि सर एक साल हो गया मेरे को और एक साल में 16,000 रुपए आए हैं। सुरेंद्र बस जी ने कहा कि यार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बिजनेस है, आप लगातार काम करो, पैसा खूब आएगा। मोटिवेट होके फिर काम किया, अगले साल फिर आरसीएम किया, अगले साल ये इनकम बढ़ के होगी 64,000-65,000 रुपए, 7,000, 3,000, 5,000, 6,000 इस तरह हुई, अगले साल अभी 65,000। ये 2 साल की कहानी है, लेकिन इसी जुनून के साथ आरसीएम किया, जुनून को कम नहीं किया, पैसा ज्यादा नहीं आया लेकिन जुनून इसी तरह रहा, सुबह से रात तक आरसीएम करना। तो 2 साल इस तरह आरसीएम किया, और 2 साल में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ समझ में आ गया इस बिजनेस का, कि जिंदगी बदलेगी इस बिजनेस से और जिंदगी बदल के रहेंगे इस बिजनेस से। हेलो यस। तो 2 साल इस तरह आरसीएम किया, 2 साल के बाद में एक मौका मिला सुरेंद्र वस्त जी के साथ बैठने का, उन्होंने मेरी काउंसलिंग की। काउंसलिंग की तो कुछ कमियां थी काम करने में, काम तो करते थे लेकिन तरीका सही नहीं था। उन्होंने काउंसलिंग की, काउंसलिंग में उन्होंने बताया कि आप इस ढंग से काम करोगे तो आपके रिजल्ट और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और मैंने उस चीजों को माना। बहुत सारे लोगों की हम काउंसलिंग करते हैं, तरीके बताते हैं, तो लोग कहते हैं जी 2 कान भगवान ने इसलिए दिए, एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, एक से सुना दूसरे से सुना, उसको अंदर बैठा लिया और काउंसलिंग की। काउंसलिंग के बाद में उन तरीके से काम करना स्टार्ट किया। हेलो यस। काउंसलिंग का मतलब समझते हैं क्या सर?
Yes. आज से 15 साल पहले घरों में एक टीवी होते थे और छत पे क्या होता था, एंटीना, और कई बार टीवी खराब हो जाता था, पिक्चर नहीं आती थी, तो हम क्या करते थे, टीवी को ठीक नहीं करते थे, एंटीना को घुमाते थे, यस या नो? यस। और जब एंटीना घुमाते थे तो कई बार पिक्चर डायरेक्शन पकड़ता था एंटीना और पिक्चर साफ आ जाती थी, तो उन्होंने काउंसलिंग की, मेरे एंटीने को सेट किया और मैंने उनके हिसाब से काम करना चालू किया 2 साल के बाद में। और 25वां महीना, 26वां महीना, 27वां, 28वां, 29वां महीना और 30 महीने लगे मेरे को इस बिजनेस में रॉयल्टी पे पहुंचने में। 30वें महीने में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। हेलो। यस। और जो रॉयल्टी का जो चेक आया वो आया 26,305 रुपए का। बहुत बड़ा चेक था मेरी जिंदगी का। मेरे फादर जॉब करते थे जब मैंने आरसीएम शुरू किया, 8,500 रुपए कमाते थे, 28 साल हो गए थे उनको जॉब करते करते, 2.5 साल के बाद उनकी सैलरी बढ़ के होगी 10,500। मैंने आरसीएम शुरू किया, पहले मैंने 544 रुपए का चेक और 2.5 साल के बाद 26,305 रुपए का चेक। हेलो। यस। और जिंदगी का पहला सपना पूरा किया उस चेक को लेने के बाद। बहुत सारे लोग अभी एक कह रहे थे कि हमने कभी जिंदगी में, कौन जी कह रहे थे कि बाइक के बारे में नहीं सोचा था, तो मैंने भी कभी बाइक के बारे में नहीं सोचा था। पहला सपना पूरा किया, 26,305 का चेक कैश करवाया, 15,000 रुपए डाउन पेमेंट दी और एक बाइक लेके आया। वो मेरे परिवार की पहली बाइक थी, उससे पहले किसी ने बाइक नहीं खरीदी थी। तो पहला सपना पूरा किया, बाइक लेके आया, उसके बाद मैं उस बाइक को खूब चलाया आरसीएम में, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर उस बाइक पे गए और काम किया। और बाइक में दिक्कत क्या थी सर? गर्मी में गर्मी लगती थी और ठंड में ठंड लगती थी। तो उस बाइक के ऊपर खूब काम किया और एक ड्रीम बनाया कि इस बिजनेस में इतना काम करना है, इस बिजनेस से गाड़ी खरीदनी है। एक बहुत बड़ी चीज थी उस समय ये सोचना कि इस बिजनेस से गाड़ी खरीदनी है। तो 31वां महीना, 32वां महीना, 33वें महीने में मैंने इस बिजनेस में टेक्निकल क्वालिफाई किया। उसके बाद इस बिजनेस से इनकम बढ़ने लगी। 2.5 साल खूब परीक्षा ली इस बिजनेस ने। हेलो। yes. खूब ऐसे मौके आए कि मैं आरसीएम को छोड़ सकता था, लेकिन मैं आरसीएम को नहीं छोड़ा। 2.5 साल के बाद इस बिजनेस में रॉयल्टी आई, इनकम आना शुरू हुई, फिर मैं इस बिजनेस में टेक्निकल पे गया। और टेक्निकल पे जैसे पहला चेक आया मेरा टेक्निकल का, वो आया 50,049 रुपए का। हेलो। yes. बहुत बड़ा चेक था उस समय का, 50,049 रुपए एक महीने में। आज भी एक अच्छी इनकम है, यस और नो? यस। आज से लगभग 15-15.5 साल पहले बहुत अच्छी इनकम थी एक महीने की, 50,049 रुपए। टेक्निकल के ऊपर मैंने काम किया इस बिजनेस में। फिर कुछ समय के बाद मैं इस बिजनेस से अपना दूसरा ड्रीम पूरा किया, मैंने इस बिजनेस के पैसे से एक कार खरीदी, कार। हेलो। यस। yes. कार लेके आया मैं, और नई कार लेके आया, और वो कार मेरे पूरे खानदान की पहली कार थी, क्योंकि पहले इससे पहले किसी ने कार नहीं खरीदी थी। उस कार को लेके आया, कार के ऊपर खूब काम किया। फिर मैंने इस बिजनेस से अपना तीसरा ड्रीम पूरा किया, घर बनाया इस बिजनेस से पैसे 12 लाख रुपए लगा के। फिर दूसरी कार लेके आया इस बिजनेस से, फिर दूसरा घर बनाया इस बिजनेस से। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया इस बिजनेस की वजह से, आज से 10 साल पहले दिल्ली में मैंने किराए का घर लिया, और 3 महीने के बाद 2 करोड़ रुपए का घर मैंने दिल्ली में लिया, अपनी जिंदगी का तीसरा घर इस बिजनेस से। और फिर बहुत सारे सपने इस बिजनेस से पूरे किए। मैं जिंदगी में कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा था, 24 साल की उम्र में मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा। हेलो। यस। और जब पहली बार बैठा और हवाई जहाज 35-40 हजार फीट की ऊंचाई पे गया, 35-40 हजार फीट से मैंने ऊपर से नीचे देखा, तो नीचे लगा कि दुनिया बहुत छोटी है और आरसीएम बहुत बड़ा है। फिर दिल्ली में घर लिया, फिर इस बिजनेस से नेक्स्ट कार ली, और लगभग इन 19 सालों में, शुरू के अगर 2.5 साल निकाल दूं, जिस 2.5 साल में बहुत सारे चैलेंज आए, कोई पैसा नहीं आया, बहुत समस्या आई, अगले लगभग 16.5 साल इस बिजनेस ने जिंदगी को बदल के रख दिया। हेलो। यस। अभी मैंने अपनी जिंदगी का चौथा घर लिया है इस बिजनेस के पैसे से। हेलो। यस। और वो घर नहीं है सर, वो एक ड्रीम हाउस है, जो एक घर में होनी चाहिए वो सारी चीजें उस घर के अंदर है। हेलो। यस। पर्सनल गार्डन उस घर के अंदर है। दिल्ली जैसी जगह पे इस तरह के घर नहीं मिलते, छोटे छोटे फ्लैट होते हैं। पर्सनल गार्डन उसमें है,
पर्सनल लिफ्ट उसमें है, पर्सनल स्विमिंग पूल उसमें है, पर्सनल थिएटर उसमें है, सब कुछ उसमें है। और थोड़ी देर पहले गाना चल रहा था सपना चौधरी का, मैंने घर लिया और मेरे सामने वाला घर सपना चौधरी ने लिया।